नमस्कार दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज। दो मिनट पहले पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया है, भयंकर से अति भयंकर भूस्खलन। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में रात से ही दोस्तों आफत की बारिश जारी है। भारी बारिश से जहां संवेदनशील टनकपुर तवाघाट हाईवे कई जगह से बंद कर दिया गया है, आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। पिथौरागढ़ का अन्य जिलों से संपर्क कट गया है। वहीं बागेश्वर में सरयू का जलस्तर बढ़ गया है, सड़कें पानी से लबालब भर गई है, लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। गाँव क्षेत्रों में भयंकर भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। बिजली पानी संचार सेवा ठप हो गई हैं, जबकि अल्मोड़ा में 5 सड़कें बंद हैं। चंपावत जिला आपदा परिचालन केंद्र से मिली सूचना के अनुसार दोस्तों भयंकर से अति भयंकर बारिश के कारण हजारों घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 9 कई स्थानों से बाधित कर दिया गया है, जिसे देखते हुए रूट को वाया देवीधुरा से डायवर्ट कर दिया है। पुलिस विभाग को ककराली गेट तथा बनखेल से वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से आगे छोड़े जाने के निर्देश हैं। वहीं टनकपुर तवाघाट हाईवे घाट के निकट मलबा आने से बंद कर दिया है। पिथौरागढ़ का अन्य जिलों से संपर्क कट गया है। डीएम ने सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों को बंद सड़क मार्गों को सुरक्षा बरतते हुए तत्काल खोले जाने का निर्देश भी दिया है। डीएम भंडारी ने आम जनता से अपील की है कि वह भारी वर्षा से आवागमन से बचें तथा किसी प्रकार की आपदा की घटना पर सूचित करें। जिलाधिकारी ने जिले के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ और जलभराव की समस्या के मद्देनजर विशेष सुरक्षा बरतते हुए सभी को दोस्तों अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया। उधर बागेश्वर में पिछले 16 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है, सभी नदी नाले दोस्तों उफान पर आ गए हैं। सरयू का जलस्तर बढ़ गया है, सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं, 287 सड़कें अब तक बंद हो गई हैं। हजारों गांवों के अंदर दोस्तों भयंकर बाढ़ बर्बादी देखी जा रही है और हजारों घर खत्म हो गए हैं और सैकड़ों सड़कें दोस्तों बंद कर दी गई हैं, जगह जगह से टूट गई हैं। लगातार भूस्खलन भारी बारिश से उत्तराखंड के अंदर तबाही मच रही है और दोस्तों अगले कुछ घंटे में और ज्यादा भयानक बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, जिसकी वजह से गंगा नदी बेकाबू भी हो सकती है। इसलिए गंगा के आसपास के सभी इलाकों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अगले 2 से 3 दिन तक जमकर बारिश होगी और दोस्तों यूपी के अंदर भी हाई अलर्ट जारी हो गया है। सावधान रहे, भारी बारिश के चलते बाहर ना निकले, नदी नालों के पास ना जाए, ऊंचाई वाले स्थान पर तो भूलकर भी ना जाए क्योंकि पहाड़ दरक रहे हैं। अलर्ट रहे, सुरक्षित रहे, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को।